नमस्कार, मैं नफीस अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज नाइन लाइव टीवी। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में न्यूज नाइन लाइव टीवी की खबर का असर हुआ है। आपको बता दें, आजमगढ़ के सपा नेता व पूर्व सांसद बाहुबली रमाकांत यादव द्वारा मंगलवार को भीड़ जुटाकर राशन वितरण करने पर जिलाधिकारी ने नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। वहीं पर सिधारी थाने में लॉकडाउन उल्लंघन सहित संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दरअसल पूर्व सांसद बाहुबली रमाकांत यादव मंगलवार को अपने आवास पर भीड़ जुटाकर राशन वितरित कर रहे थे। मामला सामने आने पर जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया था। मौके पर पहुंची पुलिस उच्च अधिकारियों को सूचना दी। जिलाधिकारी ने पूर्व सांसद बाहुबली रमाकांत यादव को नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण मांगा है। वहीं देर रात सिधारी थाने में पूर्व सांसद बाहुबली रमाकांत यादव पर मुकदमा दर्ज किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाइन लाइव टीवी, आजमगढ़। लॉकडाउन की स्थिति चलते रहने के दौरान अपने आवास पर अवांछित तरीके से सैकड़ों की भीड़ एकत्रित करने व लॉकडाउन का जानबूझकर उल्लंघन करने के आरोप में आजमगढ़ के पूर्व सांसद श्री रमाकांत यादव के विरुद्ध आईपीसी की धारा 188, 269 व 511 के साथ साथ महामारी अधिनियम 1897 की धारा 3 के अंतर्गत थाना सिधारी आजमगढ़ में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इस अभियोग की गुणदोष के आधार पर सम्यक विवेचना की जाएगी और सुसंगत साक्ष्यों के क्रम में आरोप पत्र प्रेषित किया जाएगा। मेरी जनपद आजमगढ़ सहित अपने रेंज के सभी प्रबुद्ध लोगों से, जन सामान्य से अपील है कि वो किसी भी दशा में लॉकडाउन का वायलेशन न करें। लॉकडाउन हम सभी के भले के लिए है। किसी भी रूप में अपने परिवार के, अपने व्यक्तिगत, अपने समाज के या राष्ट्र के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न करें। इस प्रकार की कोई भी रेंज में फिर से कोई जिम्मेदार या गैर जिम्मेदार कोई भी व्यक्ति ऐसी अवांछनीय हरकत करता है तो कड़ी से कड़ी विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी और लॉकडाउन का पूरी तरह से पुलिस प्रशासन द्वारा अनुपालन कराया जाएगा। बहराइच में लॉकडाउन को लेकर सोशल डिस्टेंस बनी रहे और लोगों को कोई असुविधा न हो, इसी के मद्देनजर जिलाधिकारी के निर्देशानुसार नगर क्षेत्र में खाद्य आपूर्ति बनी रहे और सोशल डिस्टेंस भी बरकरार रहे, इसी को लेकर किस तरह है नगर मजिस्ट्रेट जयप्रकाश की ओर से व्यवस्थाएं, सुने उन्हीं की जुबानी जिनसे हमारे संवाददाता नूर आलम वार्ड से बातचीत कर रहे हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज नाइन लाइव टीवी पर। इस वक्त हम मौजूद हैं बहराइच के सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में और इस समय हमारे साथ सिटी मजिस्ट्रेट साहब हैं। इस समय लॉकडाउन को लेकर क्या है नगर में व्यवस्थाएं, सर से बात करेंगे और जानेंगे। सर, स्वागत है आपका। बहराइच सिटी में माननीय जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में हमने दो तरह से पूरे कार्यक्रम को संपादित किया है। पहला, एक तो लॉकडाउन का सख्ती से अनुपालन हो, लोग कम से कम बाहर निकलें, बिना आवश्यकता के कोई बाहर न निकले, इसका विशेष ध्यान रखा गया है। इसके लिए हमारी पुलिस ड्यूटी लगी हुई है, हम लोग भी समय समय पर क्षेत्र में भ्रमणशील रहते हैं। साथ ही इसका दूसरा पक्ष है कि लोगों की आवश्यकताएं यानी उनकी जो इसेंशियल आवश्यकताएं हैं उनमें कमी न हो, इसका भी ध्यान रखा गया है और बहुत जल्द ही उसका रिजल्ट भी हमारे सामने आने लगा है कि लोगों ने बताया कि हमारे पास सही रेट पर सब्जी, दूध, फल और राशन का सामान उपलब्ध है। कहीं कोई रेट की शिकायत नहीं आ रही है। जहाँ भी छोट छोट शिकायत हुई हमने वहाँ पहुँच कर, चाहे दाल मिल जाना हो या थोक व्यापारियों के यहाँ जाना हो, जा करके उसे तत्काल नियंत्रित किया, उनको नोटिस जारी की कि वह किसी भी तरह की इस परिस्थिति का लाभ न उठा पाए। जी बिल्कुल सर, जिस तरह आपने भी बताया कि नगर वासियों को किसी चीज़ की दिक्कत ना हो, और हम लोगों ने भी क्षेत्र में भ्रमण किया, देखा है, लोगों से बात की है, तो सभी ने बताया कि हाँ, किसी चीज़ की कमी नहीं हो पा रही है। और जिस तरह से आपके नेतृत्व में ये पूरे नगर में कार्यक्रम चल रहा है, इस पर आप क्या क्या करें? हमें भी संतोष होता है अगर कोई दुखी नहीं होता है। और एक चीज़ हमें और भी बताना है कि हमारे पास समाज सेवियों की एक लंबी फौज है यहाँ पर, जिसमें कुछ लोग कुक फूड दे रहे हैं और कुछ राशन दे रहे हैं। कुक फूड को हमने एरिया वाइज बांट दिया है, दो दो लोगों को मिलाकर के एक एक मोहल्ला दिया हुआ है और हम घर घर तक जाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं कोई विषम परिस्थितियों में उसे तत्काल सहायता वहीं की वहीं उपलब्ध हो सके। लोगों का सहयोग मिल रहा है और हमारे सारे अधिकारी एक्टिव हैं और हम लोग भाग्यशाली हैं कि अभी तक हमारे ज़िले में कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला है, लेकिन फिर भी हम पूरी तरह तैयार हैं हर परिस्थिति से निपटने के लिए। सर, अंत में क्या मैसेज होगा हमारे चैनल के माध्यम से नगरवासियों के लिए? सब लोग अपना उत्साह बनाए रखें, संकट की इस घड़ी में सब लोग एक होकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस कोरोना वायरस को पराजित करना है, उसके लिए संयम, साहस और उत्साह की आवश्यकता है, वो सभी लोग बनाए रखें। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका। ये थे सिटी मजिस्ट्रेट साहब, जिनके निगरानी में नगर में बहुत अच्छा कार्य चल रहा है और
साग सब्जी दूध या किसी भी चीज की लोगों को कमी नहीं हो पा रही है, समय समय पे सबको सब कुछ मुहैया हो पा रहा है। बहराइची न्यूज 9 के लिए नूर आलम वारसी। जनपद शामली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके कब्जे से पुलिस ने तलाशी के दौरान एक अवैध तमंचा, एक चाकू और एक चोरी की बाइक भी बरामद की है। मामला उस वक्त का बताया जा रहा है जब कांदला थाना अध्यक्ष करमवीर सिंह अपनी पुलिसिया टीम के साथ कस्बे की पूर्व यमुना नहर पटरी पर गश्त कर रहे थे। तभी एक बाइक पर सवार दो युवक आते हुए दिखाई दिए, जिन्हें पुलिस ने रोकने का इशारा किया तो उक्त बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया, जिसके बाद कांदला थाना अध्यक्ष करमवीर सिंह ने कार्रवाई करते हुए दोनों बदमाशों की घेराबंदी करते हुए मौके पर ही दबोच लिया। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए दोनों बदमाशों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। न्यूज 9 लाइव टीवी के लिए नासिर अली की रिपोर्ट। जनपद शामली की कांधला पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए दोनों युवक बदमाश हैं, जिनके कब्जे से एक देसी तमंचा और एक अवैध चाकू और एक चोरी की बाइक भी बरामद की है। पुलिस की माने तो पकड़े गए दोनों युवकों ने पुलिस पार्टी पर गश्त के दौरान फायर किया है, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग करते हुए दोनों युवकों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए दोनों युवकों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है और इस पूरे मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। कैमरा पर्सन मोहम्मद फारूक के साथ नासिर अली, न्यूज 9 लाइव टीवी, शामली। खबर यूपी के जनपद शामली से है, जहां कांदला इलाके से कुछ ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई है जो चर्चा का विषय बनी हुई है। जहां कांदला थाना अध्यक्ष करमवीर सिंह पर कस्बे वासियों ने गुलाब के फूलों की बारिश की है। दरअसल कांदला विकास मंच के पदाधिकारियों ने पुलिस के कार्य से खुश होकर पुलिस कर्मियों पर गुलाब के फूलों की बारिश की है। विकास मंच सदस्य ने जानकारी देते हुए बताया कि लॉकडाउन में जिस तरह कांदला थाना अध्यक्ष करमवीर सिंह अपनी पुलिस टीम के साथ मिलकर लोगों की सुरक्षा के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं, वो काबिले तारीफ है। इस दौरान कांदला विकास मंच के दर्जनों सदस्य मौजूद रहे। न्यूज 9 लाइव टीवी के लिए नासिर अली की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? शर्मा। अच्छा, क्या मामला है जो पुलिस को फूल बरसाए जा रहे हैं? हमने बरसाया लॉकडाउन की वजह से, क्या नाम है, ये हमारे शहर की सुरक्षा कर रहे हैं, लोगों को बाहर निकलने से मना कर रहे हैं, इस खुशी में इनके लिए फूल बरसाए लॉकडाउन की वजह से। अच्छा, लॉकडाउन जिस तरह से चल रहा है, पुलिस किस तरीके की मदद कर रही है आप लोगों को? मदद कर रही हमारी बहुत अच्छी तरह, भाई बाहर निकलने को मना कर रहे हैं लोगों को, भाई बाहर ना निकलो, क्या नाम भाई, इसलिए सहायता कर रहे हैं रात सहायता के लिए भाई, का इनका हमारे ऊपर वो है। अच्छा अच्छा, हाँ उपकार भाई, सहायता कर रहे हम लोगों की, तो इसीलिए आपने फूल बरसा। इसलिए अपना फूल बरसा। मैं आपका? मेरा नाम अमित गर्ग है। अच्छा अमित जी, आज काफी महिलाएं हैं और पुलिस है, फूल बरसाए जा रहे हैं, क्या मामला है? कांदला पुलिस के सम्मान में हम कांदला विकास मंच के लोगों ने अपने जितने भी सदस्य थे और उनके घर की जो औरतें थी, उन्होंने सबने फूल बरसा दी। किस मामले को लेकर की? लॉकडाउन के चलते हुए पुलिस ने बहुत अच्छी व्यवस्था बनाए रखी, कोई बीमार था, कोई भूखा था, कांदला विकास मंच अपने तरीके से मदद कर रहा था, लेकिन 112 नंबर पर फोन करते ही पुलिस तुरंत पहुंच जाती थी, उनका राशन पानी दवा का इंतजाम करती थी। किसी व्यक्ति को नाहक परेशान नहीं किया गया। अच्छा। कांदला पुलिस का बड़ा ही सराहनीय कार्य कदम रहा और बहुत अच्छे तरीके से समझाया, पुलिस ने बताया कि अगर आप लोग हमको धोखा दे रहे हैं, हमें नहीं दे रहे धोखा, अपने आप को और अपने परिवार को धोखा दे रहे हैं। अच्छा, तो मैं कांदला कोतवाल श्री करमवीर सिंह जी, रविंदर SSI जी और सभी का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, पूरी टीम का उनका। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांदला के अंदर कोई भी एक ऐसा केस नहीं मिला, क्योंकि सतर्कता के हिसाब से उन्होंने जो भी मान लो ऐसा कोई संदिग्ध मिला, उन्हें तुरंत यहाँ से रेफर कर दिया और जिसके चलते यहाँ पे कोई केस नहीं मिले, सबसे बड़ी बात है, पुलिस की बड़ी सफलता है, इसीलिए फूल बरसाए गए, इसलिए फूल बरसा की गई। कौन कौन सी संस्था जुड़ी है फूल बरसाने में? हम कांदला विकास मंच है, इसमें अच्छा। जो है सभी है इसमें। अच्छा अच्छा। भाई जो है तरुण अग्रवाल जी, नावेद जंग, नितिन मलिक, कमल चावला, निमेश वर्मा, भीम सैनी जी हमारे बहुत कर्मठ कार्यकर्ता है, भाई संदीप मेंबर साहब, हिंदु भाई, सभी लोग हैं इसमें, तो इसीलिए फूल बरसा है। जी जी। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए पूरा देश 21 दिनों के लिए लॉकडाउन किया हुआ है, तो वहीं धमतरी जिले में भी लॉकडाउन के साथ विदेश यात्रा से आए जिलेवासियों को क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था, जिनकी संख्या स्वास्थ्य विभाग द्वारा 75 बताई जा रही है, जो मार्च के माह में विदेश यात्रा कर जिले में लौटे थे। वहीं धमतरी वासियों के लिए बड़ी राहत की खबर है, विदेश यात्रा से लौटे जिलेवासियों में से 47 रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जिससे स्वास्थ्य विभाग सहित धमतरी वासियों ने भी राहत की सांस ली है। इसके साथ ही धमतरी स्वास्थ्य विभाग ने क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए सभी जिलेवासियों को अब होम क्वारंटाइन किया है, जहां आगामी 28 दिन तक इन 75 लोगों की घर पर ही विशेष निगरानी रखी जाएगी। साथ ही अब धमतरी जिले में क्वारंटाइन सेंटर में एक भी व्यक्ति नहीं रहा है।
धमतरी CMHO ने बताया कि 13 लोगों का सैंपल और भेजा गया है जिसकी रिपोर्ट जल्द ही स्वास्थ्य विभाग को प्राप्त हो जाएगी। वहीं 47 रिपोर्ट नेगेटिव आई है जो जिले शहीद प्रदेश के लिए राहत की खबर है। न्यूज 9 लाइव टीवी के लिए दुर्गेश साहू की रिपोर्ट। यहाँ पर हमारे पूरे जिले में 1 मार्च से अभी तक जो है लगभग 75 ऐसे लोग हैं जो विदेशों से आए हुए हैं भ्रमण करके। इन सारे लोगों को हमने क्वारंटाइन में, विदेश भ्रमण करके आए लोगों को हमने रखा था और उसके बाद में उनको हमने स्ट्रिक्टली होम क्वारंटाइन के लिए 28 दिन के लिए घरों पर रखा हुआ है। इनमें बताना चाहूँगा कि हमने इन सभी का सैंपल भी भेजा हुआ है। अभी तक हमारे पास में जो 47 सैंपल हैं उनकी रिपोर्ट आ चुकी है और वह सभी जो है वो निगेटिव है। बाकी के और अभी जो है वो 13 सैंपल और गए हुए हैं, वो भी हमारे इसमें है, अभी प्रक्रिया में है। जैसी भी उनकी रिपोर्ट आ जाती है उससे भी अवगत कराएंगे। क्वारंटाइन सेंटर में अभी हमारे जो पथरेडी अभी जो संचालित हो रहा है वहाँ पर अभी कोई। लॉकडाउन को लेकर लोगों की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी और जोखिम से जूझकर लोगों तक हर खबर पहुंचाने वाले पत्रकारों की जरूरत और उनकी सुरक्षा के साथ ही उनके खाने पीने के लिए सामान बांटे गए। दरअसल हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच की, जहां इनर व्हील क्लब ऑफ बहराइच संस्था की ओर से संस्था की प्रेसिडेंट मंजुला पांडे व कोऑर्डिनेटर मेंबर रीना किडिया द्वारा पत्रकार व पुलिसकर्मियों व अधिकारियों को जरूरतों को समझते हुए मास्क सैनिटाइजर बांटे गए। इस अवसर पर संस्था की प्रेसिडेंट मंजुला पांडे व कोऑर्डिनेटर मेंबर रीना केडिया ने क्या कुछ बताया हम आपको दिखाएंगे इस रिपोर्ट में। वहीं दूसरी ओर बहराइच के ही निवासी समाज सेवी श्यामली श्रीवास्तव ने भी पुलिसकर्मियों व पत्रकारों को खाने पीने के सामान बांटे। न्यूज 9 लाइव टीवी के लिए मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? डॉक्टर रीना केडिया। आज आप लोग सैनिटाइजर और मास्क बंटवाने जा रही हैं, क्या मकसद है इसका? आज जब पूरा देश कोरोना के खिलाफ लड़ाई कर रहा है तो हम इनर व्हील के सदस्यों ने भी ऐसा सोचा कि हम लोग भी इसमें कुछ अपनी तरफ से मदद कर पाएं। जैसे पुलिस प्रशासन, पुलिस के लोग, प्रशासन के लोग और मीडिया के लोग हर टाइम सड़कों पर रहते हैं और एक्सपोज होते हैं, उनके पास पर्याप्त सुविधाएं नहीं है, इसलिए हम लोगों ने अपनी तरफ से एक छोटी सी मदद करने का प्रयास किया है कि वो उनको एक सैनिटाइजर और मास्क उपलब्ध करा दें जिससे कि हम वो अपना सुरक्षा कर सकें जब सड़कों पर। क्या मैसेज होगा आपका? हम मैसेज तो सरकार वाला मैसेज हमारा है कि आप अपने घर में रहें, मास्क जरूर इस्तेमाल करें और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है घर में रहें, बाहर ना निकलें। क्या नाम है आपका? मंजुला पांडे। किस संस्था से? हम इनर व्हील क्लब से हैं, बहराइच इनर व्हील क्लब के प्रेसिडेंट हैं। अच्छा, आज आप लोग सैनिटाइजर और मास्क बांटने की उसमें तैयारी में है, किन लोगों को मास्क बांटेंगे, उसका मकसद क्या है? हमें प्रशासन से जुड़े लोग जो हैं जिनके पास मास्क नहीं, वो दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं, पुलिस वाले हैं और हमारे प्रशासन के लोग हैं, पत्रकार भाई लोग हैं जिनके पास कि ये सब मास्क और सैनिटाइजर नहीं है, वो उन लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। हम लोग तो अपने घर में हैं लेकिन वो हमारी दिन रात अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, इसलिए उनको उनकी सुरक्षा करना हमारा पहला धर्म होता है, इसलिए हम उन्हीं के लिए ये मास्क और सैनिटाइजर लगा रहे हैं। क्या मैसेज होगा आपका मीडिया के माध्यम से? मीडिया के माध्यम से यही है कि हम अपने घर से कम बाहर निकलें और जब भी निकलें तो अपनी सरकार के निर्देशों के अनुसार अपना जो है अपनी सुरक्षा के साथ निकलें। जब भी निकले या तो निकले ही ना घर से बाहर, जितना ही हम कम निकलेंगे, लोगों से दूरी बना के रखेंगे, उतना ही हम इस रोग से लड़ने के लिए अपने को तैयार करेंगे। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए न्यूज 9 लाइव टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, फेसबुक पेज है न्यूज 9 लाइव टीवी, ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल्स है @ न्यूज 9 लाइव टीवी।